बाजार दे विच निदिन सब्जियां दे रेटां दे विच वाधा दर्ज हो रहा है ते इस दे पिछे मुख कारण बद रहा निदिन पेट्रोल ते डीजल सने रसोई गैस दे रेट दसे जा रहे हैं। इन्हां बदे रेटां नूं लैके जनता बेहाल है। हर रोज बद रहे सब्जियां दे रेटां ते आम आदमी दा इस गर्मी विचाले पसीना निकल रहा है ते सब्जियां दे रेट लगातार 2 to 3 गुना बद रहे हैं ते हुण लोग केंद्र सरकार नूं गुहार लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस दे रेट घटाए जाण। लोगों का कहना है कि जेकर महंगाई घट ना होई तो आके सड़कां ते रोस मुजहरा करनगे ते इसका खामियाजा सरकार नूं भुगतना पवेगा। दिनों दिन हर चीज के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, पेट्रोल दे गैस दे अपने सब्जियां दे हरेक अजकल आम बंदे का जीना बहुत मुश्किल होया पे है। जे इस तरह महंगाई बढ़ती गई तो लोगों का बिल्कुल हाथ खड़े हो जाएंगे, जीना दूर हो जाएगा। सब्जी बहुत महंगी हुई है, आम बंदे दे मतलब के वास्त नहीं रहा कोई खाने वास्ते, कोई सस्ती कोई कोई भी सब्जी 80-90 रुपए किलो तो उपर चल रही है। आम बंदा ये ना बहुत सफर कर रहा है। गवर्नमेंट ने यह चीज़ वाले बहुत ध्यान देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का जमा भी ध्यान नहीं है जी। एक पास जिथे सब्जियों के रेट बद रहे हैं तो सब्जी खरीदने वाले महंगाई की मार लगातार इस नूं दस रहे हैं, पर दूजे पासे सब्जियां बेचण वाले राकेश कुमार ने दस्या कि एक हफ्ते दे विच सब्जियां दे रेट काफी बढ़ चुके हैं ते घट मात्रा दे विच हुण लोग सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जियां दा दाम ही एक हफ्ते तो बढ़ गया है, 40-60 रुपए किलो हो चुकी है सब्जी। हर एक सब्जी महंगी हुई है, गर्मी का बहुत असर है, पिछले डीजल पेट्रोल महंगा होने करके इस चीज़ नाल भी असर है। सब्जियां पिछे ही महंगी ने जी, बाकी सौदे गर्मी पैन करके सब्जियां घट आ रही ने। दस दिए कि जिदा जिदा मौसमी पारा बढ़ता जा रहा है उदा उदा ही पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस के रेट बढ़ने तो बाद हुण खाण पीण दीआं चीज़ां भी निदिन महंगीआं हुंदीआं जा रहीआं ने ते आम लोग हुण सरकार नूं खुल्ली चेतावनी दे रहे हैं कि इस दा खमियाजा सरकार नूं भुगतना पवेगा जेकर पेट्रोल डीजल ते खाण पीण दीआं चीज़ां दे रेटां दे विच घाटा नहीं कीता गया। जगबाणी टीवी लई बरनाला तों विनीत शर्मा दी रिपोर्ट।